So hey fam, what's up? I am Mukul Khandelwal. Welcome back to my YouTube channel. So guys, finally India ने अपना 5G network launch कर दिया है और आज हम जा रहे हैं 5G network को test करने के लिए IMC Indian Mobile Congress जो कि प्रगति मैदान में हो रहा है और वहाँ पे बहुत सारी ITs कंपनी आई हुई है, Jio, Airtel, Microsoft, बहुत सारी अदर्स कंपनीज भी आई हुई है. तो बिना किसी देरी के आज के इस vlog को start करते हैं और जल्दी चलते हैं. Let's go. चलते हैं अंदर. गाइस देखो कितना बढ़िया बना हुआ है. सो गाइस अभी हम चलते हैं जल्दी से अंदर, आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या न्यू चीजें जियो ने लॉन्च की. आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. मैंने भी अपना यहाँ आके रजिस्ट्रेशन कराया और अब मैं जा रहा हूँ अंदर. तो गाइस देखिए अंदर कितना बढ़िया बना हुआ है. एयरटेल, जियो, अंदर आ गए. This is Jio Glass and इसके अंदर one of the applications is for for education purpose. ठीक है, आप इसको पहन सकते हो. But in this environment you can't be able to see. आज देखिए जियो ने अपना हेल्थ केयर पे भी बहुत ज़्यादा थोड़ा वो करा है. एम्बुलेंस भी बना ली है एक, सब लोग एम्बुलेंस बनाते हैं. जियो ने भी अपने एक एम्बुलेंस बना दी है. जियो ने भी अपने हेल्थ में, हेल्थ डिपार्टमेंट में जियो भी आ चुका है. अब आपको जल्दी ही जियो की भी एक एम्बुलेंस मिलेगी. जियो ने इस बार बहुत ज़्यादा ही चेंज करा है जब से 5G लॉन्च करा है. We know he's only KR at any second. If he misses the one opportunity, one opening, if he whips it out, he's done for in at least that round. But again, they will not let him miss even a single chance because we know how few. जियो ने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक लॉन्च कर दिया है. जैसे मदरबोर्ड टाइप में भी मशीन से सब चीज़ फिक्सेस होगी बनेगी. और भी गाइस देखिए कितनी सारी कंपनीज आई हुई है यहाँ पे अपना प्रोडक्ट्स लेके. जियो, एयरटेल, सारी कंपनीज आई हुई है यहाँ पे. कनेक्टेड एम्बुलेंस, हॉस्पिटल कमांड सेंटर्स. कई जगह 5G की क्लाउड गेमिंग हो रही है यहाँ पे.
VR are mostly 5G, I mean the games are very high graphics games. So you will not be able to play these games without Xbox. You played here or isme 5G chal raha hai. Absolutely. कितने एमबीपीएस की स्पीड आ रही है मैक्सिमम स्पीड? ये 500 एमबीपीएस है, 500 अपलोड टीपी लिंक पर. हाँ, ये दिस इज द लेटेस्ट, मतलब दिस इज द बेस्ट वी हैव इन द मार्केट राइट नाउ. दिस इज गेटिंग 5G इनपुट विच इज अराउंड 500 एमबीपीएस अपलोड डाउनलोड. हम ये 30,000 से 40,000 का तो हो रहा है. हाँ, दिस यू कैन गिव सम 2 GBPS बट मैक्सिमम 2 GBPS तक, उससे भी ज़्यादा हो सकता है. मुझे एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन इसका पता नहीं. मेन गेमिंग के लिए बनाया है. गाइज यहाँ पे इतनी सारी कंपनीज आई हुई है, इतनी सारी न्यू चीज़ें लॉन्च हुई है यहाँ पे. बहुत ही मज़ा आया. एयरटेल ने, जियो ने, बहुत सारी कंपनीज आई है अपने अपने न्यू प्रोडक्ट्स लेके. बहुत न्यू चीज़ें यहाँ पे लॉन्च हुई है इस बार. बहुत ही अमेजिंग देखने के. मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ पे, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे देखने. इतना तो मैंने नाम भी नहीं सुने जितनी यहाँ पे कंपनीज है. यहाँ पे बहुत ही सारी कंपनीज आई है अपने प्रोडक्ट्स लेके. और मैंने यहाँ पे क्लाउड गेमिंग खेली ना, मुझे मज़ा आ गया. 5G के अंदर क्लाउड गेमिंग खेलने का ना मज़ा ही अलग है. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इसमें. बहुत ही मज़ा आया मेरे को तो. बड़ा है ना, मैं तो घूमते घूमते थक गया. लेकिन कंपनीज इतनी है ना यहाँ पे, तो इतनी सारी कंपनीज है ना, मैंने नाम नहीं सुना इनकी कंपनीज के. इतनी सारी कंपनीज आई हुई है यहाँ पे, एक से एक चीज़ें मिल गई है. तो गाइस आप भी आए अगर ऐसे एग्जीबिशन में, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी यहाँ पे. तो आप देखो गाइस 6G की भी तैयारी उन्होंने चालू कर दी है. 6G भी बहुत ही ज़्यादा, अभी 5G आया नहीं, लेकिन उन्होंने पहले 6G की भी तैयारी. सारी कंपनीज है ना, इतनी सारी टेक्नोलॉजी है इंडिया के अंदर. मैं खुद देख के फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं खुद देख के हिल गया. इतनी सारी चीज़ें मुझे पता ही नहीं है. कुछ कंपनियाँ तो ऐसी थी जिनके बारे में मेरे को पता ही नहीं था. इतनी बढ़िया बढ़िया कंपनी. Wi-Fi 7 support. Minister aaya hai yahan pe.
तो गाइस हमने देख लिया ये पूरा और हम जा रहे हैं बाहर। सो गाइस अब हम आ गए हैं बाहर और अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा फूड एरिया के अंदर क्योंकि भूख लग रही थी और अब चलते हैं सीधा फूड एरिया। सो गाइस हमने कर लिया लंच और अब हम जा रहे हैं घर और अंदर लंच ना काफ़ी टेस्टी था, बहुत सारी वैरायटीज थी अंदर लंच के उसमें। तो हमने लंच नॉन वेज और वेज दोनों थे लेकिन नवरात्रे चल रहे हैं तो मैं वेज ही खाऊंगा, नवरात्रों में नॉन वेज तो खा नहीं सकते तो मैं वेज ही खाऊंगा। तो गाइस अंदर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, आप सब भी आइए। ये लगा हुआ है 1, 2, 3, 4 तारीख तक लगा हुआ है तो बहुत ही अच्छा अंदर एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छी चीज़ें नई नई चीज़ें देखने को मिली। सो गाइस आज के इस ब्लॉग को एंड करते हैं, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो उसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। My own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go. Never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to